हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा माथुर फ्रॉम कुछ खट्टा कुछ मीठा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं खट्टी सी मीठी सी मैंगो कढ़ी। तो ये मैंगो कढ़ी बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स यहां पर हैं। आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट कर लीजिए ताकि ये रेसिपी बनाने में आपके लिए आसान हो जाए। तो मैंगो कढ़ी बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है मेरे पास और अब हम एक मिक्सर के जार में डाल देंगे दही, थोड़ी सी हरी मिर्च। इस हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिए। यहाँ पे मेरे पास कुछ है अदरक जो कि मैंने छोटे टुकड़ों में काट ली है और डाल देंगे बेसन। और अब हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए जिसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो मैं ये पेस्ट करके लाती हूँ। ये मेरा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, एकदम स्मूथ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इसको अब हम रख देंगे साइड में और हम बना लेंगे इस कढ़ी के लिए एक टेम्परिंग। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गैस पे रखा हुआ है और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहिए तो इस कढ़ी को आप घी में भी बना सकते हैं। तो अब इस ऑयल को हम गर्म हो जाने देंगे अच्छे से ताकि जो भी हम इन्ग्रीडियंट इसमें अगली बार डाल रहे हैं वो सारे अच्छे से गर्म गर्म घी में अपना सारा फ्लेवर छोड़ दें। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मेथी के दाने, मस्टर्ड सीड्स, जीरा, हींग। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये सारा अपना जो फ्लेवर है वो गरम गरम तेल में छोड़ दें। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 लाल मिर्च, ये सूखी लाल मिर्च है, आप कोई भी वैरायटी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें करी पत्ता और इसको भी हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जैसे ही ये क्रैकल हो जाए हमने जो ये दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था इसको हम डाल देंगे इस पैन में। इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और अब हम इसमें डाल देंगे मैंगो प्यूरी। ये मैंगो प्यूरी मैंने फ्रेश मैंगोज की बनाई है, आप चाहें तो कैन प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक यू नो मैंगो का जो फ्लेवर है वो सारे बेसन में और पूरी कढ़ी में अच्छे से आ जाए। अब ये पूरा मिक्स हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी को आप धीमे धीमे डालिए ताकि बिल्कुल भी बेसन के लम्स ना बनने पाएँ और मेक श्योर कि आप इसको थ्रू आउट चलाते रहें ताकि जो बेसन है और मैंगो का जो मिक्सचर है वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बिल्कुल ही एक स्मूथ कढ़ी बन जाए। तो कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है और अब बस हमें ये करना है कि इसको 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे पकाना है ताकि जो बेसन है उसका सारा कच्चापन चला जाए और कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। गैस को आप धीमी कर दीजिए और इसको बीच बीच में आप एक चमचे से चलाती रहिए और 15 से 20 मिनट में ये कढ़ी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। कढ़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, बेसन पक चुका है, उसका जो कच्चापन है वो जा चुका है। अब हम इस पैन को निकाल के साइड में रख देते हैं और फिर हम इसके लिए बना लेंगे सेकेंड टेम्परिंग। सेकेंड टेम्परिंग बनाने के लिए मेरे पास एक छोटा पैन है, मैं इसको गैस पर रख देती हूँ और इसमें हम डाल देंगे घी। अब आप चाहिए तो ये जो ये सेकेंड टेम्परिंग है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये कढ़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये जो सेकेंड टेम्परिंग है ये इसको और भी अच्छा सा एक फ्लेवर दे देती है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई घर में मेरे गेस्ट आ रहे होते हैं या कुछ स्पेशल होता है तो मैं एक तड़का और डाल दूँ ताकि इसका जो टेस्ट है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाए। तो इस घी को अब हम यहाँ पे गर्म होने देंगे, जब तक अच्छे से गर्म ना हो जाए तब तक हम वेट करेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना, मस्टर्ड सीड्स, जीरा और सूखी लाल मिर्च। इनको हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जब ये क्रैकल हो जाएंगे हम गैस को बंद कर देंगे। इस जो पैन है इसको गैस से हटा लीजिए और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रखिए कि लाल मिर्च पाउडर गैस बंद करने के बाद ही डालिए वरना वो जल जाएगा। और अब इस टेम्परिंग को हम डाल देंगे इस कढ़ी में। अब इसको चाहिए आप तो बिना मिक्स करे सर्व कर दीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा सा कलर दे रही है कढ़ी पे। और आप चाहें तो इसको टेम्परिंग को पूरी कढ़ी में भी मिक्स कर सकते हैं। ये कढ़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, इसको आप राइस के संग खा सकते हैं या फिर इसको आप रोटी के संग भी खा सकते हैं। आप चाहिए तो इसमें क्रंच के लिए थोड़ी सी बूंदी डाल सकते हैं या फिर जैसे हम रेगुलर कढ़ी में पकौड़ियाँ डालते हैं वो भी आप डाल सकते हैं।
अगर आप लोग को ये मैंगो कढ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कुछ खट्टा कुछ मीठा. अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है लीव इट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक. आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद अ न्यू रेसिपी. टिल देन बाय बाय.